अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपना रूम, और रूम में इस टाइम बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है। तो आज के ब्लॉग में मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, और बाकी मैं जो जो करूँगी आपके साथ सारा शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ और टाइम भी दिखा देती हूँ। इस टाइम हो रहा है टाइम 1:56 और 1:57। तब जल्दी से हम बाहर जाके आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। बाहर से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, अब मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। तो ये आप देख सकते हैं, ये बाहर का व्यू है। विंडो को हम थोड़ा सा ओपन करते हैं और ये बाहर का व्यू है। थोड़ी सी बारिश हुई थी मगर अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तब जल्दी से हम डीप क्लीनिंग करते हैं और थोड़ी सी आपके साथ टिप्स शेयर करते हैं। तो ये आप देखें, 10 से 15 मिनट में मैंने डीप क्लीनिंग कर ली है। और ये आप मेरा बेड चेक करें, और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी शेल्व्स हैं। इनका भी टूर मैं किसी दिन आपको करवाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको भी मैंने सेट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ से मैंने सारा डीप क्लीन कर लिया। और आज हमने बनाई है जी दाल, और दाल में बहुत मामा मज़े की दाल बनाती हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमने दाल बनाई और मैंने खाना खा लिया है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट जो है सुबह 6 बजे कर लेती हूँ, और खाना जो है मैं 1 बजे खा लेती हूँ। तो यूट्यूब फैमिली, मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ। तो चलें हम जाते हैं वॉशरूम में, और वहाँ जाके मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स शेयर करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी स्किन केयर किस तरह करती हूँ और किन प्रोडक्ट्स के साथ करती हूँ। यहाँ से हम लाइट्स ऑफ करते हैं और चलते हैं बाहर। तो जी, मैं वॉशरूम में आ चुकी हूँ, और ये है मेरी 5 to 6 प्रोडक्ट्स जिनसे मैं अपना फेशियल कह लें, वाइटनिंग फेशियल कह लें, या स्किन केयर कह लें, वो मैं जो वीक में 1 टाइम ज़रूर करती हूँ। और ये जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने फर्स्ट जो है ना चैनल की फर्स्ट वीडियो पे। तो जल्दी से हम इसको यूज़ करते हैं। बारी बारी मैं आपको सबकी चीज़ें बता देती हूँ। अगर आपने डिटेल से जाना है, डिटेल में जाना है, तो आप वो मेरा व्लॉग देखें जाके, चैनल का फर्स्ट वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश किया है। अब मैं यहाँ पर स्किन वाइटा का जो है क्लिनजर यूज़ करूँगी सबसे पहले, और ये मेरा बिल्कुल फिनिश होने वाला है। अब मैं न्यू लूँगी, और जब मैं लेने जाऊँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, इसके अंदर सीरम भी मौजूद है, और ये बहुत ही अच्छा आपकी स्किन को वाइटनिंग पहुँचाता है, आपकी स्किन को मिल्की फॉर्म में लेके आता है। अब जल्दी से हम इसको यूज़ करते हैं। तो गैस, मैंने जो है फेस वॉश कर लिया है क्लिनजिंग करने के बाद। अच्छे से आपने सर्कुलर मोशन में इसको यूज़ करना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ वाइटनिंग एप्रिकॉट स्क्रब। ये आपकी स्किन जो स्किन है इसको क्लियर और क्लीन करता है। और चले, अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो गैस, क्लिनजिंग और स्क्रबिंग मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मैं मैक का फेस वॉश यूज़ करने लगी हूँ। ये चारकोल फेस वॉश है, ये आपके जो पोर्स हैं उनको ख़त्म करता है, और ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। मेरी स्किन ऑयली है, और इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये ख़त्म होने लगा। अब जल्दी से मैं इससे फेस वॉश करती हूँ। गैस, मेरी मामा ऊपर गई हुई थी, तो वो अब नीचे आ चुकी हैं, और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं यहाँ से लूँगी रोज़ वाटर, और ये नॉर्मल रोज़ वाटर है जो किसी भी आपको सुपर स्टोर से मिल जाएगा, कर्शी का और के गुलाब। अब जल्दी से हम इसको स्प्रे करते हैं अपने फेस पे। तो जी, स्प्रे मैंने कर लिया, अब जल्दी से इसको रख देते हैं। और गर्मियों में ना आप ज़रूर रोज़ वाटर यूज़ किया करें, ऐसा टोनर यूज़ कर लिया करें। यहाँ पर देखें, चिकन हमने मंगवाई थी, अब जल्दी से इसको मैं कवर कर देती हूँ, क्योंकि फिर गर्मी बहुत है, तो इसको कवर करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा जी, गाइस, मेरी चप्पल को आप इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे देखें, धूप बहुत ज़्यादा सख्त वाली निकल चुकी है। ये देखें, सख्त धूप निकल गई है। A few moments later. तो भाई साहब, ऐसी शिद्दत वाली गर्मी है ना गाइस, कि मैं आपको दिखा नहीं सकती इतनी ज़्यादा गर्मी है। और मैं इस टाइम खुद आराम सुकून से लेटी हुई थी, मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं बाहर। आए हाय, इतनी शिद्दत की गर्मी, चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। मैंगो खाते हैं हम। देखिए, मैंने मैंगो निकाल लिया, अब जल्दी से इसको काटती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मैंगो
ये है जी मेरा मैंगो, ये कट चुका है, अब जल्दी से इसको खाते हैं। तो गाइस ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि मैं अगर कोई चीज़ खा रही हूँ साथ में फ़ोन ना देखूँ, तो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ साथ में, मैं वैसे बुलबुले देखती हूँ, तो मेरा वो फेवरेट है। मैं जल्दी से, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। मेरा फेवरेट फ्रूट तो मैंगो और साथ में ग्रेप्स हैं। 2000 years later. तो गाइस जी आप घर देख सकते हैं कितना सुनसान हो रहा है इस टाइम पे, और मैं बिल्कुल अकेली और बोर बैठी हुई हूँ, कुछ करने को नहीं है। अभी मैंने वीडियो एडिट की है और अब उसको मैं पोस्ट करूँगी, उसके बाद मैं ऐसे ही लेटी रहूँगी। शाम में मेरा भाई आएगा तो फिर मैं उसके साथ जाऊँगी अगर टाइम हुआ तो, गोलगप्पे खाने, वरना फिर उससे मंगवाऊँगी, वरना वैसे मुझे ला कर तो नहीं देगा। और चलें फिर इसी के साथ अपने व्लॉग का करते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी तरह मेरा व्लॉग देखने हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग्स, और कहते हैं तो मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग देखें। और आगे वैसे भी बहुत ज़्यादा शादी सीज़न आने वाले हैं तो उसमें भी आपको मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे, तो मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।